हेलो एवरीवन, आज का जो मेरा वीडियो है वो वीडियो है मेरे टेट्रा फिशेस के ऊपर। और मैं इनको आज फीड करने वाला हूँ, कुछ फिशेस भी ऐड किया हूँ तो उनके बारे में आप लोगों को दिखाना चाहता था। इस वीडियो को आप लोग पूरा ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा, इसकी मत कीजिएगा। मतलब कि मैं वीडियोस में एक्चुअल में सारी डिटेल्स बता देता हूँ, फिर भी मतलब मेरे पास ऐसे कमेंट्स आते रहते हैं कि आप इस चीज़ के बारे में बताओ, उस चीज़ के बारे में बताओ। मैं डेली एक वीडियो डालता हूँ, हर एक अपडेट्स देता हूँ, तो मेरे पास डेली करीब 400-500 कमेंट्स होते हैं। तो मैं आप लोग खुद सोचिए कि मैं हर एक कमेंट्स के रिप्लाईज़ और वो भी उन चीज़ों के जिनके बारे में मैं बता चुका होता हूँ उनके बारे में कैसे दे पाऊँगा, वो भी एक साथ। आप लोग समझ सके कितना लेट हो जाता है। तो इसके लिए अगर आप लोग वीडियोस देख लेंगे तो आप लोगों को इतनी सारी चीज़ें पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं सारी चीज़ें वीडियोस में क्लियर कर देता हूँ। तो चलिए अब मैं बात करने वाला हूँ। आज तो सबसे पहले मैं इसमें तो रेड आई टेट्रास ऐड किया हुआ हूँ, आप लोग देख सकते हो, पास में आएंगे देख लेंगे। और डैनियो जेब्राफ्स भी ऐड है इसमें, गप्पी पहले से इसमें ऐड थी और मॉलिस के बेबी, सॉरी गप्पी के बेबीज वगैरह इसमें थे जो ब्रीड कर रही थी गप्पीज। और कुछ गप्पीज के बेबीज काफ़ी बड़े भी हो गए हैं, जैसे आप लोग देख रहे हैं कि हो रहे हैं, साइज भी ग्रोथ हो रही है, कलर्स भी आ रहे हैं और काफ़ी सारे हो भी चुके हैं। और साथ ही साथ इसमें नियॉन टेट्रास भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो मैंने कल एक वीडियो बनाया था तो परसों, तो उसमें मैंने प्लांटेड टैग के बारे में बताया था कि मैं फ्री में प्लांटेड टैंक कैसे बनाए। तो उसमें लोग कमेंट्स कर रहे थे कि नियॉन टेट्रास डाली हुई है, तो ये नियॉन टेट्रास ब्रीड करती नहीं है एक्वेरियम में, तो इतनी सारी नियॉन टेट्रास कहाँ से। एक्चुअली मैंने उसमें ये नहीं बताया था कि मेरी नियॉन टेट्रा इसमें ब्रीड की हुई है, ये बात फैक्ट है। मैं इसमें नियॉन टेट्रा और ऐड किया था, पहले मेरे पास 20 नियॉन टेट्रास थी, लेकिन अभी इसमें मे बी 100 नियॉन टेट्रास हो चुकी हैं, आप लोग देख सकते हो। तो इस पर मैंने नियॉन टेट्रास मंगाई हुई थी, फिर उन्हें मैंने ऐड किए हैं, जिब्रा डैनियो ऐड की हुई है और रेड आई टेट्रास भी ऐड है इसमें। अब मैं एक्चुअल में इसका मेन मोटिव मेरा ये है इस वीडियो को बनाने के लिए कि मैंने जैसे कि पहले ही बताया था, ऐसा प्लांटेड टैंक सक्सेसफुल नहीं होता, ना ही ये सक्सेस है। आप लोगों को भी अगर कोई प्लांटेड टैंक बनाना है तो उसके लिए मैंने बताया था, पर फिर भी एक बार मैं आपको रिमाइंड कर देता हूँ, आप लोग अच्छी क्वालिटी की सॉइल यूज़ कीजिए और कुछ प्लांट्स, कोई भी आप उसके बाद प्लांट्स यूज़ कीजिए, चाहे आप मार्केट से मंगाइए, एक्वेरियम शॉप से खरीदिए, या कुछ भी कीजिए, उसके बाद ही आप प्लांट। और ये जो फिशेस हैं, बस इनको ये है कि ये प्लांट्स की वजह से, इनकी न्यूट्रिशंस की वजह से इन फिशेस को रहने में काफ़ी कंफर्ट फील होता है। और ये लाइट लगी हुई है, हैंग ऑन लेडी लाइट, इसकी वजह से मछलियों को मतलब कि थोड़ा सा एनर्जीज वगैरह मिलती रहती है, तो मछलियाँ काफ़ी खुश रहती हैं। तो अभी तक मैं इन्हें नॉर्मल ऑपियम खिलाता था फिश फूड, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा उसके लिए मेहनत करनी पड़ती थी और पीसना पड़ता था, उसके छोटे छोटे टुकड़े करने पड़ते थे। आप लोगों को मैंने वीडियोस में भी दिखाया था एक बार कि मैं इनको फिशेस, छोटी स्मॉल फिशेस को कैसे फीड करता हूँ। तो आज मैं क्या कर रहा हूँ कि पहले मैंने माइक्रो पैलेट, इस टाइम पे आप लोग जान रहे हैं कि ट्रांसपोर्टिंग की कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही, कितनी ज़्यादा मतलब कहीं से सामान आता है जाता है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है लोगों के पास। तो मैंने क्या किया है कि अभी मैं टेट्रा बीट का, एक्चुअल में टेट्रा फिशेस के लिए स्पेशली ये फिश फूड बनता है, तो मैं कहा इसी को मैं निकालता हूँ और खिलाता हूँ। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, टेट्रा बीट्स का ये आपका 100 ml का है और 30 ग्राम का, आप लोग देख सकते हो। अब मैं इसकी कीमत बता देता हूँ, ये मेरे यहाँ मार्केट में कितने का मिलता है, ये 150 rupees का आता है, 150 rupees का। ये ओरिजिनल होता है जो कि जर्मन बेस्ड है, जर्मनी में बनता है, जर्मनी की कंपनी टेट्रा बीट्स की। तो आज मैं इसको आप लोगों के सामने पूरी तरीके से, वैसे इसके बारे में मैं एक वीडियो पहले भी बनाया था कि ये कैसा होता है, मतलब बहुत पुराना वीडियो था, बट मैं फिर टेट्रा फिश के लिए, और ये बॉटम फीड होता है, मतलब ये फ्लोट नहीं करेगा, ये बॉटम पे ही रहेगा। एक मिनट में इसे ओपन कर लेता हूँ। तो आप लोग ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से होता है टेट्रा बीट्स कंप्लीट, और इसमें काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन और प्रोटीन और विटामिन होते हैं आपकी फिशेस के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए और कलर इंक्रीज करने के लिए। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि ये 150 rupees में आता है 30 ml का, और इसकी सबसे जो खास चीज़ होती है वो ये कि ये बॉटम फीड होता है, मतलब कि जैसे ही आप इसमें डालोगे तो ये डिप कर जाएंगे, डूब जाएंगे, बॉटम में जाने लगेंगे सारे के सारे फीड। तो ये इसमें बेनिफिट ये है, एक तो कि मुझे ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का था, क्योंकि जैसे इसमें नियॉन टेट्रास वगैरह इतनी सारी टेट्रास हैं, तो इनको न्यूट्रिशन देने के लिए, और मुझे वो जो ऑप्टियम का फिश फूड होता है उसको काफ़ी ज़्यादा खींचना पड़ता था यार, एक तो काम मेहनत बना। इसको क्या है कि मैंने ऐसे हाथ में लिया और ऐसे इसको मैं मसल दूंगा तो देखें ऑटोमेटिकली ये छोटे छोटे हो गए, और ये सारी की सारी फिशेस अच्छे तरीके से खा रही हैं। तो इन फिशेस को भी जैसे कि मैं नेचुरल न्यूट्रिशन, CO2 वगैरह भी नहीं लगाए, प्लांट्स भी बहुत सारे नहीं, उनकी ग्रोथ नहीं हो रही थी, इसकी वजह से मुझे, अगर आप ऐसी कोई फिशेस रखते हो तो आप इनको जितना अच्छी क्वालिटी का खाना हो सके वो खिलाने की कोशिश कीजिए, फिशेस को
प्रोटीन विटामिन पर्याप्त मात्रा में मिलती रहे और ये इनकी वजह से कमजोर और बीमार न पड़ के मरे, क्योंकि हम लोग फिश पालते हैं या खरीद के लाते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा केयर और मेंटेनेंस करना पड़ता है, इस चीज का आप लोगों को ध्यान देना है। तो मैं आप लोगों को एक मेरे पास ऑरेंज गप्पी है, मैं उसे भी यही फीड करवाऊंगा क्योंकि वो भी काफी ज्यादा कमजोर होकर मैं देख रहा हूँ काफी दिनों से, एकदम सुस्त सुस्त लग रही है। शायद टेट्राबिट कम्प्लीट खाने के बाद कुछ उनमें एक्टिविटीज उनकी चेंज हो जाए, कुछ हेल्दी हो जाए। चलिए कोशिश करते हैं उन्हें भी खिलाने की।